Hello students, good morning. Welcome to class 10th English literature. Well, सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अब ऐसी खुशखबरी दिख रही है कि आगे से स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे 15th ऑफ अक्टूबर से. देखिए यूपी गवर्नमेंट का भी ये फैसला है और अगर खुलते भी हैं तो अभी भी हमें प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए जब तक कि ये टीका भी, देखिए रशिया का टीका मिल सकता है. बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स, बस जब कोई भी चीज हो जाए तो ही मानना है कि हो गया, नहीं तो आशाएं तो बहुत कुछ हैं. कल गांधी जी, हमारे जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों ही का बर्थडे था. गांधी जी का 151st था. तो महान लोगों से हमें स्टूडेंट्स कुछ सीखना चाहिए. अब गांधी जी हैं, बहुत महान थे. हर इंसान में मेरिट्स डिमेरिट्स होता है, अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, गांधी जी में भी थी. तो हमें किसी भी इंसान की बुराई को नहीं देखना चाहिए, उसकी अच्छाई को देखना चाहिए. तो गांधी जी की जो है अच्छाई थी कि सबसे बड़ी चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि गांधी जी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी दुनिया में जब तक आप जीवित हो ऐसा काम करो कि लोग आपको मरने के बाद भी याद रखें. अब देखिए, कोई भी सामान बिना गांधी जी के पिक्चर के नहीं मिलेगा. उन्होंने एक महान काम किया था जिसकी वजह से हम लोग याद रखते हैं. तो आप सभी को, आप सभी लोग ह्यूमन हैं, ऐसा महान काम कीजिए जिससे कि मरने के बाद भी लोग याद रखें. तो स्टूडेंट, लेसन टू फर्स्ट फ्लाइट में आते हैं. जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, नेल्सन मंडेला. तो हु वाज नेल्सन मंडेला? ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और साउथ अफ्रीका में ऐसी कंडीशन थी 1994 के पहले, एपार्थाइड की कंडीशन थी. वहां पर अलग अलग रंग के लोग, काले लोग और जो यूरोपियंस गोरे लोग, खासकर इन दोनों के बीच बहुत ही लड़ाइयां होती थी. जिस तरह से गोरे लोग, अंग्रेज लोग हम लोग के देश में आकर उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था, सेम वे साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने उन लोगों को, साउथ अफ्रीकन्स को भी गुलाम बना रखा था. आपको याद होगा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे इसी एपार्थाइड जो सिस्टम था उससे लड़ने के लिए. तो देखिए कि जब हमारे नेताजी को, महात्मा गांधी को लगा कि नहीं अब मुझे अपने देश में जाना चाहिए, तो उन्होंने वहां से रवानगी ली और यहां आ गए. खैर, साउथ अफ्रीका में 1994 को एक नए सरकार की स्थापना हुई थी जिसमें जो फर्स्ट फ्री साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे वो नेल्सन मंडेला थे. देखिए, नेल्सन मंडेला का रोलिह लाहला उनका पूरा नाम, नेल्सन मंडेला. तो ये नेल्सन मंडेला थे, इन्हीं के बारे में ये स्टोरी है, चैप्टर टू फर्स्ट फ्लाइट का, नेल्सन रोलिह लाहला मंडेला. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है किसी भी इंग्लिश चैप्टर के जो वर्ड्स हैं, जिन वर्डों की मीनिंग आपको नहीं आती है उनको आप तैयार कर लीजिए और एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझिए, सेंटेंस से मिलाकर समझिए और वो दिमाग में आ जाना चाहिए. तो किसी भी चैप्टर के वर्ड का नॉलेज आपको होना चाहिए. अगर वर्ड नॉलेज है तो आपको चैप्टर पढ़कर जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, सो आज हम चैप्टर टू के हार्ड वर्ड्स को जानेंगे. बहुत ज्यादा जो हार्ड वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आते किसी के, आप लोगों को, वो मैंने लिखे हैं. बाकी बहुत सारे और भी हैं जो बहुत इजी हैं. तो थोड़ा सा लंबा है, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. सो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर टू है नेल्सन मंडेला का. इसमें जो हार्ड वर्ड्स है, देखिए, एक तो एपार्थाइड है. एपार्थाइड क्या होता है? एपार्थाइड यही जो ऐसा सिस्टम जिसमें नस्ल या रंग का के बीच भेद किया जाता है ना, तुम गोरे हो मैं काला हूं, दोनों के बीच अलगाव, गोरे लोग कालों पर अत्याचार करते थे, तो ये एपार्थाइड सिस्टम हो गया. फिर एक इनॉगुरेशन है. इनॉगुरेशन मींस क्या होता है?
उद्घाटन, किसी चीज की शुरुआत होना, उद्घाटन होना, बहुत सारी चीजें लोग हमारे नेता लोग उद्घाटन करते हैं, तो इनॉग्रेशन उद्घाटन सभा या किसी चीज का उद्घाटन, कुछ नई शुरुआत करना। देन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स की खुद की कथा, है ना, बायोग्राफी मीन्स कथा और ऑटो मीन्स खुद की, तो खुद की कथा। देन देखिए एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर क्या है, ये वही जगह है, ये वही हॉल है, ये वही स्थान है जहां पर साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया था, ओथ लिया था। डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज जो सम्मानित गण है दुनिया के, जितने भी जिनको हम सम्मान देते हैं, सम्मानित गण, सम्मानित लोग, डिग्नेटरीज। देखिए ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स होता है संताप, दुख तकलीफ जो कोई देता है किसी को सताने के लिए, है ना। देन जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स कि खुशी के, अगर कहें कि जुबिलेंट सीन तो खुशी के सीन, जैसे कि त्योहारों में हम सभी नाचते गाते उछलते कूदते रहते हैं, खुशी मनाते हैं, तो खुशी के जो सीन होते हैं वो जुबिलेंट सीन हो गए। देन देखिए डॉन, डॉन मीन्स निकला, है ना, जैसे कि सूरज निकलता है तो भोर होती है, तो किसी चीज का निकलना डॉन। नाउ द नेक्स्ट इज बिसीज्ड, बिसीज्ड मीन्स कि लोगों से घिरे होना, इस चैप्टर में घिरा होना, है ना, चारों तरफ लोग घेर रखे हैं। देन सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी मीन्स किसी चीज की उच्चता, सर्वोच्चता, है ना, सबसे उच्च जो है ऊंचा, सुप्रीमेसी। अब देखिए इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मीन्स की स्थापना करना, ये भी वही इसी से मिलता जुलता है, शुरुआत करना, है ना। देन पोडियम, पोडियम मीन्स कोई मंच, चबूतरा जिसके ऊपर चढ़कर कोई स्पीच देता है, भाषण देता है, पोडियम। देन कॉन्फर ग्लोरी, कॉन्फर मीन्स देना, टू गिव ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स सुंदरता, ग्लोरी मीन्स जो बढ़िया, तो सुंदरता देना, ठीक है ना। देन आउटलॉज, आउटलॉज मीन्स जो बगावती हो, जो नियम को ना माने, है ना, जो कानून को ना माने, बागी, विद्रोही। अब देखिए इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मीन्स कि किसी बुराई से या परेशानी से, तकलीफ से उबरना या स्वतंत्र होना, उसको इमेंसिपेशन कहता है। देन लाइब्रेट, लाइब्रेट मीन्स छुटकारा पाना या फ्री होना, स्वतंत्र होना। देन बॉन्डेज, बॉन्डेज मीन्स दास्ता, गुलामी। देन डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन मीन्स किसी चीज से वंचित होना या किसी को कुछ ना मिलना, है ना, रह जाना। देन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, अंतर करना, है ना। ग्लोरियस, ग्लोरियस जैसे ग्लोरी था, सुंदर, शानदार, उसी तरह ग्लोरियस, शानदार, बढ़िया। देन awe, क्या होता है, रिस्पेक्ट के साथ डर, है ना, किसी चीज के बारे में रिस्पेक्ट तो है लेकिन डर भी है, डर के साथ रिस्पेक्ट होना। देन स्पेक्टिकुलर एरे, स्पेक्टिकुलर मीन्स होता है आकर्षित, अट्रैक्टिव, एरे मीन्स डिस्प्ले करना, तो बहुत ही आकर्षित कर देने वाला डिस्प्ले या दिखावा। देन देखिए पिन पॉइंट प्रिसीजन, सीधे एक ऑर्डर, सही ऑर्डर में, सही क्रम में, है ना, इसको पिन पॉइंट डिसीजन कहते हैं, आएगा आपके चैप्टर में। देन डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स किसी चीज की प्रदर्शनी करना, दिखावा करना, जैसे कि हम लोग साइंस एग्जीबिशन होता है उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। देन लॉयल्टी, लॉयल्टी मीन्स की वफादारी, जैसे डॉग्स लॉयल होते हैं तो लॉयल्टी उसी से बना है। देन बी डेक्ड, बी डेक्ड मीन्स सजा होना, जैसे कि छाती पर मेडल्स सजे होते हैं उसी को कहते हैं बी डेक्ड। देन चेवरॉन, चेवरॉन मीन्स वी शेप, वी शेप को चेवरॉन कहते हैं, चेवरॉन। देन ट्रेल, ट्रेल मीन्स सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन कहते हैं, ट्रेल मीन्स लाइन। देन ओवरवेलम, ओवरवेलम मीन्स पूरा भरा होना, जैसे कि खुशी से लबालब होना, खुशी से भरा होना, उसी तरह ओवरवेलम मीन्स पूरी तरह से भरा होना, लबालब होना। देन इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स कि भ्रम, किसी चीज के बारे में भ्रम है कि नहीं है, एक तरह से इमेजिनेशन, तो किसी चीज के लिए जो भ्रम हो जाता है, हाँ कि ना, उसको इल्यूजन कहते हैं। देन देखिए पैचअप, पैचअप मीन्स समाप्त कर देना, फिनिश इट अप, ओके, खत्म कर देना। देन रेशियल डोमिनेशन, डोमिनेशन मीन्स क्या होता है, आधिपत्य, जिसकी जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी ने कब्जा कर रखा है, उसका पूरा अधिकार,
तो रेशियल मतलब कि जातिगत जाति का या जो रंग भेद के ऊपर आधिपत्य होना, जैसे कि गोरों और काले के बीच था। देन हार्शेस्ट, हार्शेस्ट मीन्स सबसे कड़े, है ना, सबसे कड़े, हार्शेस्ट। देन रॉट, रॉट मीन्स कि किया हुआ, डन। देन प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स बहुत ज्यादा जो है सैडनेस, प्रोफाउंड सैडनेस, तो बहुत ज्यादा। देन ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी मीन्स कि निर्दयता, क्रूरता, है ना। देन डिफाइज, डिफाइज मीन्स कि जिसको एक्सप्रेस न किया जा सके, जिसको व्यक्त न किया जा सके, जिसको बताया ना जा सके, देन वो डिफाइज। ग्रिमेस्ट, ग्रिमेस्ट मीन्स सबसे दुख भरा। ओके अब देखिए, पुश टू आवर लिमिट्स यानी सीमा तक तकलीफ देना, हद तक तकलीफ देना किसी को, उसको पुश टू लिमिट्स। देन आइए ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, कर्तव्य, देश के प्रति हमारे क्या ऑब्लिगेशन है, परिवार के प्रति क्या ऑब्लिगेशन है, तो ये कर्तव्य होता है, ड्यूटी। देन देखिए इनएवाइटेबली, जिस चीज से बचा ना जा सके, आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते हैं, इनएवाइटेबली। देन देखिए रिब्ड, रिब्ड मीन्स जो निकाल लिया गया हो, ले लिया गया हो, छीन लिया गया हो, है ना। देन ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मीन्स जिंदा रहना, जीवन, और ट्विलाइट मीन्स थोड़ा, टेम्परेरी, तो थोड़ा जीवन, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। देन सीक्रेसी एंड रिबेलन, रिबेलन मीन्स होता है विद्रोह, बगावत, और सीक्रेसी मीन्स रहस्य किसी चीज के बारे में, तो रहस्य और विद्रोह। रोस्ट मेलीज, मिलीज या मेलिस बोलिए, रोस्ट, रोस्ट मीन्स पके हुए, भुने हुए, मिलीज मीन्स मक्के, मक्के भुट्टे, तो सेके हुए, सिके हुए भुट्टे, पके हुए भुट्टे। देन अबाइडेड, अबाइडेड मीन्स, अबाइड मीन्स होता है मानना, अबाइडेड माना, किसी चीज को मानना, रूल मानना, लॉ मानना, अवॉइड करना, तो अवॉइडेड मीन्स अवॉइडेड माना। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी होता है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी, है ना, कुछ समय के लिए। देन देखिए यर्न, यर्न मीन्स जो बहुत ज्यादा डिजायर होता है, इच्छा होती है किसी चीज के बारे में, यर्न्ड। नाउ पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स की जो नेचुरल एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल कहते हैं। देन डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स सम्मान, है ना, रिस्पेक्ट, सम्मान। देन एनिमेटेड, एनिमेट मीन्स होता है जिंदा करना या जान देना, जैसे एनिमेशन फिल्म आती है, तो एनिमेटेड मीन्स जान दिया या मतलब जान डाल दिया, किसी चीज को जीवित कर दिया। देन लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग, लॉ मानने वाला, अबाइड मीन्स मानना, तो लॉ मानने वाला अटॉर्नी मीन्स वकील, एडवोकेट। देन विर्चुअस, विर्चुअस मीन्स क्या होता है, VIRTUOUS, विर्चुअस, विर्चुअस मीन्स गुणी होना, किसी किसी बात का गुण हो किसी चीज में, तो विर्चुअस। देन ऑप्रेसर, ऑप्रेसर मीन्स जो किसी को सताता है, सताने वाला। एक और है ऑप्रेस्ड, जिसको सताया जाता है उसको ऑप्रेस्ड कहते हैं, और जो सताता है किसी को उसको ऑप्रेसर। प्रीजुडिस, प्रीजुडिस मीन्स घृणा या पक्षपात करना, है ना, प्रीजुडिस। नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण मानसिकता, छोटी मानसिकता, छोटी सोच, एक होता है बड़े दिल वाला, बड़ी सोच वाला, एक होता है छोटी सोच वाला, नैरो माइंडेड, माइंडेडनेस। जेम्स, जेम्स मीन्स कीमती पत्थर, रत्न। तो स्टूडेंट ये चैप्टर का आपको हार्ड वर्ड्स की मीनिंग था, मैंने समझाया, इसी तरह से आपको हर वर्ड, हर हार्ड वर्ड की मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, समरी बता दूंगा अच्छे से। ओके थैंक यू।